हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा राधे। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, वो तो सबको प्यारा लगे, चले गए, उनको किस बात का डर है, सीधे चले गए सब लीलाएं करते हुए। और जब वहां पर गए तो कुबलिया पीठ नाम का हाथी और उसका महावत नहीं जाने दे रहे थे, बोले हाथी से कुचलवा देंगे। सो भगवान ने हाथी का वध कर दिया और कुबलिया पीठ हाथी का वध कर दिया, महावत को भी एक थप्पड़ मारा धीरे से, उनका तो धीरे से ही बहुत है, वो मर गया जोर से।
हाथी के दांत उखाड़ के कंधे पे रख लिए एक बलदाऊ भैया ने, एक उन्होंने, और पहुंच गए। और वहां पर तो रंगभूमि थी और बड़ी सुंदर चर्चा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर एक दिन की कथा में कम से कम एक दिन तो मिले, तीन चार घंटा सुबह, तीन चार घंटा शाम को, तब कथा हो। मैं तो मूल कथा ही कह रहा हूँ, निवेदन है मेरा, इधर उधर की बातें तो की नहीं मैंने बिल्कुल भी, लेकिन समय चाहिए सुनने का भी और सुनाने का भी। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन अब क्या करें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो लोग दुष्ट थे भगवान उनको काल दिखाई दे रहे थे, जो माताएं थी वृद्धा माताएं भगवान उनको अपने लाल दिखाई दे रहे थे, जो नव यौवनाएं थी भगवान उनको अपने सखा दिखाई दे रहे थे, प्रेमी दिखाई दे रहे थे। मणि तो वही है, चश्मा अलग अलग है, और कंस तो साक्षात काल समझ गया था मेरा काल आ गया। और उधर चाणूर और मुष्टिक नाम के दो आ गए महाबलशाली, बोले पहले हमसे युद्ध करो फिर धनुष तोड़ो। बोले धनुष तो तोड़ दिया हमने, चिंता मत करो, तुम्हें और तोड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। बोले तो फिर लड़ो हमसे। बलराम जी बोले तुमको भी तोड़ेंगे, तो बोले लड़ो। कन्हैया जी से बोले लड़ो तुम, तो बोले मामा जी लड़े तो लेकिन तुमको सरमरम है बिल्कुल कि नहीं। बोले क्यों। बोले तुम्हारा कद कितना है, बोले 7 फीट 2 इंच, और हमारा, तुम्हारा वजन कितना है, 1.25 क्विंटल, बोले हमारा 26 किलो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं। बोले तुम लड़ो, झूठ बोल रहे हो, और तुम बहुत ताकतवर हो, हमें पता है। वाला वयम तुल्य वलैः क्रीड्यस्यामो यथोचितम्। भगवान ने कहा शर्म करो, वाला वयम तुल्य वलैः, बालकों को तो जो है बराबरी में ही ये होता है, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी है क्या। क्रीड्यस्यामो यथोचितम्, क्रीड़ा में उचित है बराबरी, इसलिए पहलवानों को तौल के लड़ाया जाता अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर में वजन करके। और तुम हमसे लड़ने को तैयार हो, हम तो अभी छोटे बालक हैं, हमको क्या लड़ना वड़ना आवे मामा जी, छोड़ो जाओ दही पकौड़ी खाओ। बोले नहीं तुम बालक नहीं हो, झूठ बोल रहे हो, हमें पता है। बोले क्यों, हमने क्या कर दिया। अरे बोले तुमने बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, पूतना को मारा, कितने मार दिए बड़े बड़े धेनुकासुर, और कह रहे हो। बोले मामा जी तुम्हारी कसम, तुम्हारे सब भाई की कसम, सब जितने परिवार के हो सबकी कसम खा के कह रहे हमने एक को ना मारू। बोले फिर, बोले तहीं से मरे मराए गए, हमने तो धक्का बस, नाम नाम हमारा लगना था। बोले नहीं तुमने मारा है, निश्चित मारा है। कन्हैया जी बोले जब नहीं मान रहे तो ठीक है हम ही ने मारा। सो छोटे छोटे बाल सकाते, बोले कायरे कन्हैया झूठी काय बोल रहे हो। बोले क्यों, बोले तई ने मारू का। बोले और, बोले मरे मराई में बाद में 10-5 लठियां हमने मारी, हम आओ भी नाम लिखाओ। अकेले ही क्रेज लिए जा रहे हो, खूब हंसे और पकड़ लिया कन्हैया को। बोले बातों में समय बर्बाद कर रहे हो, चलो युद्ध करो। कन्हैया बोले भाई साहब युद्ध करना है। बोले हाँ। बोले ठीक है। और कन्हैया ने एक झापड़ मारा तो पूरा युद्ध हो गया, वो जमीन पकड़ गया, फिर उस दिन पकड़ गया, आज तक नहीं उठा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उधर दाऊ जी ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया और कंस के भी बाल पकड़ के भगवान ने नीचे गिरा दिया। अब कंस तो कहे छोड़ दो, आंखें बंद करे मारे डरन के, वो छाती पे बैठे हैं भगवान। भगवान ने जानबूझ के ऐसे किया। बोले खोल आंखें देख। बोले डर लग रहा हो। बोले डर ना लगे, तू भाग्यशाली है, तेरी छाती पे कृष्ण नहीं पर ब्रह्म बैठा है, मरते समय देख ले। एक मुक्का मारा नाक में सो, ओम भगवतो नमः वास्ते, चले गए वो भी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उद्धव से मिलन होता है, माता पिता वसुदेव और देवकी के चरणों में जाते हैं भगवान, अपने नाना को पुनः राजगद्दी दिला देते हैं। संदीपन ऋषि के यहाँ पढ़ने जाते हैं, गोपी विरह भी है, उद्धव को भेजते हैं गोपियों का संदेश, वापस जब आता है तो उद्धव ज्ञानी थे और गोपियों के प्रेम में प्रेमी बनकर के वापस आते हैं। समय का अभाव है, सब कथाएं बहुत अच्छी हैं, पर छूते हुए चलते हैं।
अनुष्ठान है, कोशिश होगी कि कथा एक लाइन में ही सही लेकिन छूटे ना, ठीक है ना। अब भगवान वापस उद्धव जब वापस आते हैं तो भगवान देख लिया, भगवान ने किए तो प्रेमी बन गया, अद्भुत है गोपियों का प्रेम। और सांदीपन ऋषि के आश्रम में एक मित्र मिलता है ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा था, उनसे दोस्ती हो जाती है। इधर जब कंस को मार दिया तो उसकी पत्नी का नाम था अस्ति और स्वस्ति, अस्ति और प्राप्ति, अपने भाई से शिकायत कर दी जरासंध से और उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 17 आक्रमण किए, भगवान ने उसको मार के भगा दिया। 18वें में 11,000 ब्राह्मणों को बैठा दिया, तुम बैठ के जाप करो मेरी जीत का, अगर मैं जीत के आया बहुत सारा धन दूंगा, और अगर इस बार हार गया तो तुम्हारे सबके सर कलम कर दूंगा। भगवान को बताया गया, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मुझे सब कुछ स्वीकार है लेकिन मेरे भक्तों का अहित स्वीकार नहीं है, अब हम युद्ध से भागेंगे। बलराम ने कहा भैया बहुत बदनामी हो जाएगी, क्या कर रहे हो, हम आज तक भागे नहीं युद्ध से, हम ऐसे क्षत्रिय वीर हैं। अरे बोले भक्तों के लिए कुछ भी, बोले देख लेना तुम्हारा नाम बिगड़ जाएगा, वो लोग अभी क्या तुम्हें कहते हैं फिर क्या कहेंगे, बोले कुछ नहीं, अभी लोग माखन चोर कहते हैं, फिर लोग रणछोड़ कहेंगे। बोल रणछोड़ भगवान की जय हो। और द्वारका नामक नगरी रात में ही कूद करके समुद्र में कूद गए पर्वत से, उसने पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी, अलग से नगरी बनाई, और नगरी बनाने के बाद उन्होंने राज्य आरंभ कर दिया। बलराम जी ने विवाह कर लिया, कन्हैया जी का ध्यान ही नहीं किया, लेकिन कन्हैया जी कुछ ऐसे ही है क्या, वो तो आए थे तो लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं आई होंगी, रुक्मिणी मैया, भीष्मक नाम के राजा थे बड़े अच्छे, और उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी था, और बचपन से ही बार बार कहते रुक्मिणी तो बड़ी सुंदर है मेरी ये, इसके लिए तो संसार में कोई है ही नहीं वर, इसके लिए तो बस एक ही वर है जिसका नाम कृष्ण है, उससे लगता है विवाह करना पड़ेगा। मजाक में ही हंसी में कह देते थे, भगवान का चित्त, भगवान का चरित्र, भगवान का चित्र उसके चित्त में बन गया। कन्याओं को बार बार किसी की चर्चा करो, स्नेह हो जाया करता है, स्नेह हो जाया करता है। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं अगर विवाह करूंगी तो कन्हैया से ही करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। और उनका विवाह उनके भाई थे रुक्मी, रुक्मी ने तय कर दिया अपने मित्र शिशुपाल के साथ, शिशुपाल के साथ, शिशुपाल परसों बारात लेके आएगा, बस मैंने कह दिया। रुक्मिणी मैया को पता चला, बड़ी दुखी हो गई, अब क्या करें कहां जाएं। अचानक ध्यान आया कि भाभी, भाभी तमाम समस्याओं की चाबी, भाभी, भाभी भी बड़ी अच्छी होती हैं, भाभियां भाई बड़ी अच्छी होती हैं, कोई मुझसे पूछे भाभी कैसे बनती है, भाभी कैसे बनती है, तो हम तो बताएंगे कि एक बहुत प्यारा सा मित्र हो और एक बहुत ममतामयी माँ हो, दोनों को मिला के पीस दो भाभी बन जाएगी। बोलो राधे राधे, जिसमें माँ की तरह ममता हो और मित्र की तरह सहानुभूति हो वही भाभी है, जिससे आप कुछ भी बात कर सको, एक ऐसी माँ जिससे आप मित्र की तरह बात कर सको भाभी। गई बताया, बोली भाभी मैं तो गोविंद को अपना मान चुकी हूँ, ये भैया तो मुझे शिशुपाल के साथ ब्याह रहे हैं, मैं मर जाऊंगी। बोले मरने की जरूरत नहीं है, लेटर लिखो, पहले तो चिट्ठी लिखी जाती ना, अब तो राधे राधे व्हाट्सएप मैसेंजर पता नहीं क्या क्या, चिट्ठी लिखी एक ब्राह्मण को दी, जाओ वो गया गोविंद भगवान को दी, हे ठाकुर मुझे ले जाओ, ऐसा ना हो कहीं शेर का हिस्सा कोई लोमड़ी ले जावे। भगवान ने कहा ठीक है, रथ सजाया, चलो चलो जल्दी से। रथ लेकर के बाहर निकले ही थे कि बलराम जी आ गए, और देखो पहले कितनी मर्यादा होती थी, कितनी मर्यादा होती थी, आजकल तो लड़का इंची टेप लेके जाता है और फिर वहां से फोन करता है, हेलो सिस, अंग्रेजी में वो सिस्टर का सिस बस इतना ही रह गया। अच्छा बड़ी होगी तो ये नहीं कि जिज्जी दीदी कुछ कह दे, बहन जी हाँ दी, हेलो दी, वो कहेगी हाँ ब्रो, कितनी खराब बेशर्मी की भाषा है, अरे भाई कहने में, भाई जी कहने में क्या बिगड़ जाएगा, अब ब्रदर का भी शॉर्ट कर दिया, सिस्टर का भी शॉर्ट कर दिया, कपड़े भी शॉर्ट कर दिए, बाल भी शॉर्ट कर दिए, हद कर दी, इतना शॉर्ट क्यों कर रही हो भाई। अब फिर फोन करेंगे 5.5 इंच
नो, कम से कम पौने छह चाहिए। हाथ जोड़ लिए, बनाए हैं बकरी, उसको नाप तौल के ले रहे हैं। मर्यादा खत्म। बाप माँ बाप तो लड़की देखने नहीं जाते हैं बहुत से। वो लड़के से कहते तुम जाओ भैया, बात का बवाल खत्म। और वो बढ़िया जाता है खूब एक आध दोस्त दोस्त लेके, हाँ, और जाने कितनी फेल करता है। उसको होश ही नहीं रहता कि मेरी भी बहन बैठी है। भैया फेल पास तो अलग विषय है, भगवान बना के बेचता है, लेकिन मर्यादा बनाए रखो। लड़की की माता पिता का दिल ना दुखे, ऐसी हरकतें मत करो, मत करो। मर्यादित तरीके से आप मना भी कर सकते हो अपने बुजुर्गों के द्वारा, ऐसे क्यों करते हो, मत करो। देखो तो मर्यादा, लड़के उस कमरे में नहीं बैठते थे जहां पिता बैठे होते थे। अगर लड़का देखने आया हो तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाता था गांव भर में, इतनी मर्यादा थी। कन्हैया जी को देखो, बलराम जी आ गए, ए कन्हैया कहां जा रहा है। कन्हैया जी घबरा गए, वो मैं भैया दरअसल मैं पंडित जी के साथ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, ये पंडित जी, ये पंडित जी, पंडित जी तो मेरे साथ जा रहे हैं। अरे बेवकूफ, सीधे सीधे बताओ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। बोले भैया दरअसल बात ये है कि हम दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं। इतनी झिझक थी, इतनी मर्यादा थी, बता नहीं पा रहे हैं। तब बलराम ने पंडित जी की तरह, पंडित, बोले सरकार कुंडनपुर जा रहे हैं। क्यों, वो स्वयंवर है, रुक्मिणी मैया ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, जा जल्दी तेजी से। उधर गए उद्धव से कहा जल्दी तैयार करो सेना, हम भी चलेंगे। कन्हैया गया बहू लेने गया है, और कन्हैया तो पहुंच गए। सेना लगा दी थी उनने, तो कन्हैया आवे तो पकड़ लेना। सैनिक 10,000 खड़े हैं, लेकिन कन्हैया तो कन्हैया है। कन्हैया कैसे है, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नैनम मधुरम, मधुरम मधुरम। अच्छा एक इसका बड़ा अच्छा अनुवाद है, बड़ा अच्छा अनुवाद है, बड़ा अच्छा। कन्हैया के लिए, उनकी इतना सुंदर बदन है, बिल्कुल मधुर, चंदन की तरह मधुरता ही मधुरता। सब दीवाने हो गए, सब सब दीवाने हो गए। उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहा कि हमको ड्यूटी लगाई गई है, ये जमाना हमको दोष देगा। वो तो करें, जब होश भूलने वाली चीज मिल जाए तो खूब दोष देना। सब सैनिक, कोई कह रहा हे भगवान कितना गौर वर्ण है, कोई कह रहा इसकी नाशिका तो देखो, नाशिका कितनी कितनी सुंदर है, कोई कह कपोल तो देखो कितने अच्छे हैं, अरे छोड़ो इसका पीतांबर देखो, अरे छोड़ो उसकी तो आप पादुकी देखो जो पहन रखी है पैरों में, सोना मड़ा है मुझे लगता है। बस सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए खड़े थे, और भगवान मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। चंदन सावधान, चंदन सावधान, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जगे वालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सावधान, चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना, मुझे दोष न देना, जगे वालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन और ये व्याख्या है बिल्कुल शुद्ध। और देखिए भागवत में क्या लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। अधरम मधुरम, वचनम मधुरम, नैनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधि पते रखेलम मधुरम।
अधरम मधुरम बदनम मधुरम 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 नैनम मधुरम हस्तम मधुरम चलतम मधुरम पीत बस मधुरम मधुरम है सब सब मुग्ध हो गए और भगवान उन्हीं के सामने रुक्मिणी मैया को उठा के ले आए वो भी गोद में। अब देखा तो बोले हे भगवान इतनी सोड़ी जोड़ी पंजाबी शब्द है इतनी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी हे भगवान। सब आकर्षित हो गए कोई हाथ जोड़ने लगा बोले आंखें तृप्त हो गई और भगवान ने आराम से रथ में बैठाला और रुक्मिणी मैया बोली लाओ हर रथ हम चलावे। बोले क्यों? बोले कोई भरोसा नहीं कब आपको बाण चलाना पड़े। अब बताओ भगवान ने अपहरण किया है? हो ही नहीं सकता। अब कोई लड़की खुद रथ चलावे और लड़का पीछे बैठा है। हम तो कहते हैं भगवान का अपहरण कर लिया रुक्मिणी मैया ने। झूठ मूठ की बदनामी फैलाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो है ना। और चले गए बीच में तो मिल गया उसको तो मिल नहीं था भाई तुरंत गया छोड़ो मेरी बहन को नहीं मार दूंगा। भगवान बोले भाई साहब अपनी बहन से पूछो इसने हमें अपना स्वीकार कर लिया है। बोले वो तो बुद्धू है। बोले तुम ही समझदार हो। बोले हाँ। भगवान बोले मान जाओ। बोले नहीं माने से भगवान नीचे उतरे सो तीन चार झापड़ लगाए आधी बाल मूड दिए आधी दाढ़ी आधी मूछ। इतने में बलराम जी आ गए। बोले ओ भाई साहब ये सगा साला है। बोले तुझे शर्म नहीं आती ऐसी रिश्तेदारी निभा रहे हो ऐसा स्वागत करते हो साले का है? साला तो मिट्टी का भी प्यारा होता है कहते ना हमारी तरफ कहते हैं सार माटियों का प्यार हुआ था और ये तो जीता जागता है। छोड़ो इसे गलत बात। भगवान ने छोड़ दिया। बोले भैया क्षमा करना इसमें बहुत बचपना है लेकिन तुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तू तलवार और ये सब लेके क्यों आ गया? तेरा जीजा है और तू तलवार से स्वागत करेगा? ऐसे नहीं करते। दोनों को समझाया फिर भीष्मक जी प्रसन्न हुए रुक्मिणी मैया वापस आई।